हम कहा करते हैं कम बोला करो, ज्यादा ना बोला करो, ज्यादा बोलने से भी बातें बिगड़ जाती हैं। पत्नी से भी सीमित बात करो, पति से भी सीमित, रिश्तेदारों से भी उचित बातें हो, ज्यादा बोलने से कई बार गलत शब्द निकल जाते हैं, किसी को बुरा लग सकता है। कम बोला करो, मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत घोलो। तीन चीजों को संभाल लेना, पहला अपनी वाणी को। यदि गलत शब्द बोलोगे मेरी माँ, तो महाभारत हो जाएगा। महाभारत क्यों हुआ? गलत शब्दों से तो हुआ। द्रौपदी ने कह दिया था दुर्योधन को देखकर, अंधों के अंधे होते हैं। लो, जब वाणी बिगड़ती है तो महाभारत होता है। द्रौपदी ने कहा था ना, एक बार दुर्योधन आया था इंद्रप्रस्थ, तो वहां विश्वकर्मा ने ऐसा भवन बनाया था कि जहां पानी था वहां थल दिखाई पड़ रहा था, जमीन, और जहां जमीन थी वहां पानी था। तो दुर्योधन चला बड़ी मस्ती से, एक जगह उसे लगा पानी भरा है, तो उसने संभाल लिया, अरे पानी भरा। तब वहां से किसी ने कहा, ना ये पानी नहीं है, ये पानी जैसा दिख रहा। दुर्योधन चला, अच्छा सब जगह ऐसे ही होगा, आगे सच्ची एक जगह पानी भरा था। दुर्योधन को लगा ऐसे ही होगा, गया तो गिर गया पानी में, और पानी में गिरा तो द्रौपदी हंसने लगी। अंधों के अंधे होते हैं, ऐसा कहकर द्रौपदी माता हंसने लगी। और जब आपकी वाणी बिगड़ती है तो महाभारत होता है, इसलिए वाणी ना बिगड़े इसका आपको पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए, वाणी ना बिगड़े। समझ रहे हैं मेरी माँ? बोलने के पहले विचार कर लो क्या बोल रहे हो, जो बोल रहे हो वो सामने वाले को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, उसका परिणाम क्या होगा, उसके परिणाम पर भी गौर कर लीजिए, उसके परिणाम पर भी विचार कर लीजिए कि जो हम बोल रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। आप अपनी पत्नी को डांट रहे हैं, पर जो डांटने में शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जरा उन शब्दों पर गौर कर लीजिएगा कि क्या वो शब्द बोलने लायक हैं, डांटने लायक हैं, कहने लायक हैं। आप तो कह के सो जाएंगे, पर जिसको कहा है उसे नींद आएगी कि नहीं, इस पर विचार कर लेना चाहिए। इसलिए बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहे। वाणी बिगड़ी तो महाभारत हुआ, वाणी ना बिगड़े पहला। दूसरा, आंख नहीं बिगड़नी चाहिए। पहला वाणी, दूसरा आंख। बताओ आंख किसकी बिगड़ी, नाम बताओ। हाँ, किसकी आंख किसकी बिगड़ी मैया, बताओ मैया, आप बताओ। आंख बिगड़ी थी रावण की, आंख बिगड़ी तब तो सीता माँ को चुरा के ले आया। सीता माँ बड़ी सुंदर थी, देखा और आंखें बिगड़ गई, आहा हा कितनी सुंदर है ये महिला, मुझे मिल जाती तो कितना अच्छा होता, चुरा के ले आया। वाणी बिगड़ी तो महाभारत हुआ, और आंख बिगड़ी तो सर्वनाश हुआ। इतिहास साक्षी है, आंख बिगड़ी तो सर्वनाश हुआ। इसलिए किसी भी स्त्री को देखकर आपके विचार नहीं बिगड़ने चाहिए, दृष्टिकोण नहीं बिगड़ना चाहिए, दृष्टि नहीं बिगड़नी चाहिए। आंख यदि है और किसी स्त्री पर आंख जाती है, तो वह स्त्री को तुम अपनी माँ के रूप में देखो, बहन के रूप में देखो और बेटी के रूप में देखो। यदि गंदे भाव से किसी भी स्त्री को देखोगे, बस वही परिणाम होगा जो रावण का हुआ है। इसलिए आंखें ना बिगड़े। आंखें बिगड़ती हैं तो लोग बलात्कार कर लेते हैं, आंखें बिगड़ती हैं तब ना ये केस होते हैं, फिर उनको मृत्युदंड, फांसी तक पहुंचना। आज भारत में ऐसे कितने लोग जो दामिनी के साथ जिन्होंने अपराध किया था, उन्हें भी मृत्युदंड मिला, फांसी मिली, तो फांसी तक पहुंच गए, मर गए। काहे मर गए? आंखें बिगड़ी इसलिए तो मर गए। क्या बिगड़ा था इन लोगों का? आज जितने लोग किसी स्त्री के साथ दुराचार करते हैं,
उनका पहले क्या बिगड़ता है, आंखें ही तो बिगड़ती हैं। शुरुआत तो आंखों से है ना, पहले देखा, देखने के बाद देखते ही रूप अच्छा लगा तो मन बिगड़ गया, मन बिगड़ गया तो हाथ पांव आगे बढ़ गए और फिर बाद में उसके साथ दुराचार किया, परिणाम मौत। इसलिए शुरुआत क्या है, आंख पर कंट्रोल, कुछ भी ना देखो, क्या देखना है क्या नहीं देखना विचार कर लो, उचित देखो, देखना ही है तो स्त्रियों को मां के रूप में देखा जाए, बहन और बेटी के रूप में देखा जाए। कान, तीसरा है कान, बताओ कान किसके बिगड़े, जवान बिगड़ी द्रौपदी की, आंखें बिगड़ी रावण की, कान किसके बिगड़े, कान किसके बिगड़े, हां कैकई मां, कैकई के कान बिगड़ गए, मंथरा ने कान भर दिए, भर दिए कान। और जब कान बिगड़ते हैं तो भी नुकसान होता, कान बिगड़ गए तो सारी अयोध्या रोने लगी, जो नगरवासी राम के राजा बनने की तैयारी कर रहे थे वही नगरवासी अब राम के वियोग में रोने लग गए। क्यों रो रहे हैं, आज सभी लोगों की आंखों में आंसू क्यों है, क्योंकि कान बिगड़ गए। कैकेयी के क्या बिगड़े, कान। इसलिए मेरी मां, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना ये विचार करना चाहिए। कैकेयी ने मंथरा की बातें सुनी, अरे मंथरा की हैसियत क्या थी, मंथरा तो तुम्हारी दासी थी ना, और तुम महारानी हो, एक रानी को दासी की बातें सुनकर विश्वास करना चाहिए क्या। अरे सलाह लेनी हो तो अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से ली जाती है, सलाह हमेशा किससे ली जाती है बताओ, अपने से छोटे या अपने से बड़े। यदि आप अपने से छोटों से सलाह लेंगे तो परिणाम तुम्हारा वही होगा जो कैकेयी का हुआ। आज तक कोई बाप अपनी बेटी को कैकेयी कह के नहीं बुलाता, कौशल्या नाम की लाख बेटियां मिल जाएंगी, सुमित्रा नाम की लाख बेटियां मिल जाएंगी, कैकेयी नाम की एक भी बेटी मिल जाए तो मुझे बता दो। आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी को कैकेयी नहीं कहा, कैकेयी नाम नहीं रखा, क्योंकि तुम्हारा कान बिगड़ गया, कान बिगड़ गए। और कान बिगड़े तो तुमने राम से विरोध कर लिया है ना, इसलिए कान संभाल के रखना, कान सुनने के लिए है, पर कान सिर्फ कथा में लगे तो कानों की सार्थकता है, कान केवल अच्छी चीजें सुने तो कानों की सार्थकता है, कान यदि किसी की उल्टी सीधी बातें सुनने लग जाएंगे तो वही विनाश का कारण हो जाएगा। तो आज से तीन चीजों पर आप लगाम लगाएंगे, अपनी वाणी पर, अपनी आंखों पर और अपने कान पर। वाणी को संभालिएगा, कुछ भी ना बोलिएगा, आंखों को संभालिएगा, कुछ भी ना देखिएगा, और कानों को संभालिएगा, कुछ भी ना सुनिएगा। यदि इन तीन चीजों को संभाल लिया, मैं लिखित में दे सकता हूं कि तुम्हें भगवान के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता, तुम्हें भगवान मिलेंगे, संसार का हर सुख मिलेगा यदि तुमने तीन पर कंट्रोल कर लिया तो। किस किस पर मुझे दोहरा दो, वाणी पर, आंख पर और कान पर। आज घर में झगड़े क्यों होते हैं सास बहू के, क्योंकि तुम्हारे कोई ना कोई कान भर देता है, पड़ोसन भर दिए, जिठानी भर दिए, कोई और भर दिया, सुन लिया तुमने उल्टी सीधे और आके झगड़ा करना शुरू कर दिया सास से या बहू से या जेठानी से या देवरानी से या इत्यादि किसी से। झगड़ा तभी तो होता है जब आप सुनते हैं उसके बारे में कुछ, अरे तेरी सास ने तो ऐसा कह दिया, अरे तेरी बहू ने तो ऐसा कह दिया तुझे, अरे आपने कन्फर्म किया नहीं अपने सास से कि कहा है कि नहीं, झगड़ा चालू कर दिया। हो सकता है तुम्हारी पड़ोसन भी मंथरा जैसे काम कर रही हो, मंथरा कह रही है कि राम को राजा बनाने की तैयारी चल रही है और तुम्हें तो बताया ही नहीं गया, मंथरा ने कैकेयी को जितना कहा था सब झूठ कहा था, और मंथरा की बातों में कैकेयी आ गई, और जब आई तो परिणाम क्या हुआ,
स्वयं के पति भी चले गए, स्वयं का बेटा भरत जी ने उसके बाद कैकेयी को कभी माँ कह के नहीं बुलाया। भरत जी ने कह दिया था, माँ तुमने पेड़ की जड़ काट के पत्तों को हरा भरा रखना चाहा है, मेरा मेरे प्राण तो राम थे और तुमने उन्हें वनवास भेज के तुमने मेरा भला चाहा है, तो जैसे पेड़ को काट देने के बाद कोई पत्तों का भला चाहे तो कैसे हो सकता है। अरे पेड़ काट दोगे तो पत्ते सूख नहीं जाएंगे। अब कोई पेड़ को काट दे और पत्तों को कहे कि तुम ना सूखना, तो वनवास राम को भेज के भरत को कहो कि तुम ना रोना, तो ये कैसे हो सकता है, भरत के प्राण तो राम ही थे। उस दिन से कैकेयी माँ को, राम जी ने तो माँ कहा है कैकेयी को, पर भरत जी ने माँ नहीं कहा। कहते हैं भरत जी, माँ अरे कैकेयी तेरे मुंह में कीड़े क्यों ना पड़ गए जब तूने राम को वनवास भेज दिया। ऐसा भरत जी ने कहा, आपके मुंह में कीड़े क्यों ना पड़ गए। मेरी माँ कैकेयी ना अब बेटे की रही ना पति की रही। जब दशरथ जी के प्राण निकलने वाले थे ना, तब वहां कैकेयी आई और रोने लगी, खबरदार कैकेयी मेरे मरने पर तू आंसू ना बहाना, मेरे प्राणों की भक्षक तू ही तो है और अब मेरे प्राणों के जाने पर रोकर नाटक क्यों कर रही है, चली जा यहां से। दशरथ जी ने पांव पकड़ के कहा था, कैकेयी मैं तेरे बेटे भरत को राजा बना देती हूं, बना देता हूं, मैं भरत को राजा बना दूंगा, पर मेरे राम को वनवास ना भेजो, यदि राम वनवास चले गए तो ये दशरथ मर जाएगा। ऐसा दशरथ जी ने कहा था, पांव पकड़ लिया था दशरथ जी ने। सोचो एक पति अपने पत्नी के पांव पकड़ के कहता है कि राम को वनवास ना भेजो, मैं मर जाऊंगा कैकेयी राम के बिना। कैकेयी कहती है मर जाओ तो मर जाओ, पर भरत को राजा बनाओ। और बड़ा कहते थे कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए, और अब देते समय क्यों आपको कष्ट हो रहा है। इतनी निर्दयी हो गई थी, पत्थर भी इतना कठोर नहीं होता जितनी कठोर आज कैकेयी माँ हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि मंत्रा जैसी गुरु मिल गई। मंत्रा जैसे लोग जब कान भरते हैं तो व्यक्ति पत्थर जैसा कठोर हो जाता है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूंगा, आज भी समाज में मंत्रा कहीं गई नहीं है, मंत्रा की फिर बच्चे बच्चे हुए। आज वही मंत्रा तुम्हारे गली मोहल्ले पड़ोस में खूब पाए जाते हैं, ढेर मंत्राएं, तब तो एक ही थी, अब हर गली मोहल्ले में दो चार मिल जाएंगी आपको। मंत्रा कहीं गई नहीं है, आज भी पाई जाती। बताओ आपके गली मोहल्ले पड़ोस में मंत्रा है या नहीं, जिनका काम ही है यहाँ की बातें वहां, वहां की बातें वहां, कुछ भी उल्टा सीधा कान में भर देना, ये मंत्राओं के काम है। ऐसी मंत्राओं से बच के रहिएगा, नहीं तुम्हारा भी परिणाम वही होगा जो कैकेयी का हुआ। आज जितने भी घर बिगड़ते हैं उसमें अधिकांश मंत्रा जैसे लोगों का बहुत योगदान होता है। भड़काने वाले, बहकाने वाले, उल्टी सीधी भरने वाले, इन्हीं लोगों के कारण तो घर बिगड़ते हैं। हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। इसलिए आंख कान और जबान